Assalamu alaikum and a very warm good morning to one and all present over here. तालीम अगर नहीं जमाना के हस्ब हाल, तालीम अगर नहीं जमाना के हस्ब हाल, फिर क्या उम्मीद दौलत व आराम व एहतराम। सैयद के दिल में नक्श हुआ इस ख्याल का, सैयद के दिल में नक्श हुआ इस ख्याल का, डाली बिनाए मदरसा लेकर खुदा का नाम। We, the students of class 8 Iqbal, are presenting the assembly on the theme of Sir Sayyid's dedication towards the nation. It's an absolute honor and privilege for all of us. Now, let's commence the program with the recitation of the Holy Quran and to recite the Holy Quran. I would like to invite my friend Irbaz. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Right, my friend, Faizan Sanjur. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات बन गई है तेरी बात करते करते तेरे शहर मैं आऊं तेरी बात पढ़ते पढ़ते तेरी बात पढ़ते पढ़ते Sir Sayyid was one of those early pioneers who recognized the critical role of education in the empowerment of the poor and backward Muslim community. The supreme interest of Sir Sayyid's life was education in its widest sense. He wanted to create a scientific temperament among the Muslims of India and to make the modern knowledge of science available to them. Absolutely. No one can deny Sir Sayyid's contributions for the betterment and empowerment of the Muslims. Let's we know more about Sir Sayyid. For that, may I call on stage Adnan Rahman. Sir Sayyid was born on 17th October 1870 in Delhi. His family was highly regarded by Mughal dynasty. Father, Mir Muttaqi, was close to Akbar Shah but rejected the position and titles offered to him due to his interest in mysticism. He died when Sayyid Ahmad was about 21 years of old. Mother Azizul Nisa Begum was, however, a strong-willed woman of clearly defined principles. She showed extraordinary interest in education, character building and upbringing of her son. She was a strict and God-fearing lady. Thanks. जब कौम जलालत और पस्ती का शिकार हुई थी वो सर सैयद थे जिन पर हकीकत आश्कार हुई थी. And next, we have a group of six students. Noor Hassan, Sanaullah Firoz, Albab Alam, Waqar Hussain, Nasir Hussain and Adnan Zia, who are going to deliver a speech in Urdu. कदर के बाद मुझको न अपना घर लेने का रंज था, न माल और असबाब तर्फ होने का, जो कुछ रंज था अपनी कौम की बर्बादी का. ए मेरी कौम के लोगों, अपने अजीज प्यारे बच्चों को गारत न करो, उनकी आइंदा जिंदगी अच्छी तरह बसर होने का सामान करो. मुझको तुम कुछ भी कहो, मेरी सुनो या न सुनो, मगर याद रखो, अगर तुम उनको अपनी कौम की तरह उनको अपनी कौम की तरह तालीम ना दोगे तो वो आवारा खराब होंगे. तुम उनकी अक्सर हालत को देखोगे और बेचैन रहोगे. अगर तुम मर जाओगे तो अपनी औलाद की जिंदगी को देखकर तो तुम्हारी रूहें कब्रों में तड़पेंगी और तुम कुछ ना कर सकोगे. अभी वक्त है, तुम सब कुछ कर सकते हो. और याद रखोगे कि मैं पेशन गोई करता हूँ, अगर चंद रोज तुम इसी तरह गाफिल रहे तो एक वक्त ऐसा आवेगा तुम चाहोगे अपने बच्चों को तालीम दो मगर तुमसे कुछ ना हो सकेगा. मुझको कुछ कहो, काफिर मुल्हिद नेचरी, मैं तुमसे अपनी शिफात के वास्ते खास्तगार ना होऊंगा. मैं तुमसे खुदा के सामने कुछ सिफारिश नहीं चाहता, मैं कुछ चाहता हूँ तुम्हारे बच्चों की बेहतरी के लिए कहता हूँ. तुम उन्हीं पर रहम करो और ऐसा करो कि आइंदा पछताना न पड़े. 1857 गजब के वक्त जो हालात थे,
जिस तरह पूरा मुल्क इंतशार और अफरातफरी के माहौल में मुबतला था, जिसमें एक अजीब सी कैफियत थी, जिसमें सर सैयद जिंदगी की सगोड़ों गुजार रहे थे। एक तरफ एक बेचैनी एक तरफ थी जिसने सर सैयद का चैन सुकून छीन रखा था। सर सैयद के दोस्त हुसैन उल-मुल्क के एक रात का वाकया बयान करते हैं कि मैं उनके कमरे में ही सो रहा था। रात आंख खुली तो सर सैयद को उनके बिस्तर पर नहीं पाया। मैं बाहर निकला तो देखता हूँ सर सैयद टहल रहे हैं और जरब कदर रोते जाते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बात हुई, कोई अफसोसनाक खबर आई है क्या? यह सुनकर सर सैयद और ज्यादा रोने लगे और कहा, इससे ज्यादा और क्या मुसीबत हो सकती है कि मुसलमान बिगड़ गए और बिगड़ते जाते हैं और कोई सूरत उनकी भलाई की नजर नहीं आती। सर सैयद अहमद खान, पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई। वालिद सैयद मुतफी वालिदा अजीजुन्निसा बेगम थी। अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। नाम रखा गया था अहमद। सैयद की कौमी, सियासी, समाजी, मजहबी जज्बात का दायरा इतना वसीह था कि उन्हें महज मुफक्किर, रहबर, रोशन ख्याल, अजीम इंसान कहना ही काफी नहीं। उनके अजीम कारनामों में साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, रिसाला तहजीबुल अखलाक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वगैरह ही नहीं बल्कि असबाब बगावत हिंद, आसार सनादीद, सरकशी बिजनौर, खुतबात अहमदिया, तफसीरुल कुरान, रिसाला अहकाम ताम, खेती और आबपाशी, एग्रीकल्चर, जमीन बैंक और मैदान अमल की सरगर्मियों से सर सैयद की दिलो दिमाग और फिक्र के दायरे की वसत का अंदाजा किया जा सकता है। सर सैयद उर्दू जबान और अदब के आशिकों में थे। उन्हें जदीद उर्दू नसर के बानियों में शुमार किया जाता है। 1920 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और सर सैयद ने तालीम बिलखसूस जदीद तालीम, अंग्रेजी तालीम और साइंस की तालीम पर जोर दिया था। सर सैयद साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहते थे, इस वजह से 1864 को साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। यह सोसाइटी साइंसी क्यूरियोसिटी की एक लहर मुल्क में भी पैदा करना चाहती थी। इस सोसाइटी ने सबसे पहले यूरोप की इल्मी और साइंसी किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम किया। तारीख की किताबों का ट्रांसलेशन का भी काम किया। सर सैयद ने एक नाइट स्कूल शुरू किया जहां पर दिन में काम करने वाले लोग रात में इसे फायदा उठाते थे। सर सैयद हिंदुस्तान में पहले रहनुमा थे जिन्होंने जरात एग्रीकल्चर पर बाज़ाब्ता काम किया। खेती को, पैदावार को बढ़ाने के लिए यूरोप की टेक्निक्स को हिंदुस्तान के किसानों तक पहुंचाने का काम किया। हिंदुस्तान के खेती को साइंटिफिक पहुंच अदा करने की काफी कोशिश की। इसी तरह अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सर सैयद ने एक कॉलेज खोलने का मंसूबा बनाया और 74 एकड़ की एक जमीन को सरकार से हासिल करने की कोशिश का आगाज 1874 में किया। सर सैयद को अलीगढ़ में स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जमीन हासिल करने में आ रही रुकावटों को पेश नजर महज 4 दिन के वक्त में एक इब्तदाई स्कूल का इनॉग्रेशन करवा दिया। फिर आगे की राह में हवा हुई और 8 जनवरी 1877 को कॉलेज की बुनियाद रख दी गई। एक बहुत बड़ा मसला माली ताउन का था। बगैर पैसों के किसी बड़े इदारे का तस्वुर नामुमकिन था। मुल्क कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सर सैयद अहमद खान ने हर वो तरीके इस्तेमाल किए जिससे उनको माली मदद हासिल हो सके, बल्कि उन्होंने नए नए तरीके भी ईजाद किए। लॉटरी निकाली, गजलें गाई, ड्रामा किया, किताबें बेची, अपनी तस्वीरें बनाकर बेची, नजरा के यहाँ औलाद की पैदाइश पर नजराने लिए, नेशनल वॉलेंटियर बनकर गले में थैली लटका झोले लटका कर पैसे मांगे। दोस्तों ने, चाहने वालों ने रोका, कहा सर सैयद लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। सर सैयद कहते, अगर मैं लोगों के कहने का ख्याल करता तो जो कुछ अब तक मैंने किया है उसमें से कुछ भी न कर सकता। लोगों के कहने का ख्याल न करो बल्कि ये देखो कि इससे दरकीकत कौन को फायदा पहुंचेगा या नहीं। चंदा वसूल करते वक्त सर सैयद ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, किससे मांगता हूँ, किस तरह मांगता हूँ।
जबकि उस वक्त सैयद अहमद खान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए करीबन 400 रुपए महाना पेंशन के तौर पर दिया करते थे और सैयद ने अपनी वो सभी रकम को कॉलेज में लगा देते थे। कॉलेज के चंदे के लिए सैयद ने सबसे पहला सफर 1873 ईस्वी को पटना अजीमाबाद का किया था। सैयद कहते हैं, अगर लफ्ज कौम से मेरी मुराद हिंदू मुसलमान दोनों से है, यही वो माने हैं जिसमें मैं लफ्ज कौम नेशन की ताबीर करता हूँ। हम सब खास हिंदू हो या मुसलमान एक ही से जमीन पर रहते हैं, जिनकी बुनियाद पर इन दोनों कौम जो हिंदुस्तान में आबाद हैं, एक लफ्ज से ताबीर करता हूँ, हिंदू यानी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग। 27 मार्च 1898 के रात 10 बजे सैयद अहमद खान इस दुनिया से कूच कर गए। 1 दिसंबर 1920 ईस्वी को MAO कॉलेज के पतन से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। सर सैयद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दायरे थे, कहते थे हिंदुस्तान एक दुल्हन की मानिंद है जिसकी दो खूबसूरत आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। अगर वो दोनों आपस में इत्तेफाक ना रखें तो वो प्यारी दुल्हन गिंगी हो जाएगी, और अगर एक दूसरे को बर्बाद कर दें तो वो काणी हो जाएगी। सर सैयद कहते थे, हमारे बाप दादा अगर आली कदर थे और हम नहीं हैं तो हमें इस पर नाज नहीं करना चाहिए, बल्कि रोना चाहिए कि हम अपने बड़ों का नाम डुबोने वाले पैदा हो गए। सर सैयद की तमन्ना थी, मैं अपने कौम को सितारे की मानिंद करना चाहता हूँ जो रात के वक्त दिखाई देते हैं। मैं जब रात में आसमान देखता हूँ तो उसके उस हिस्से को जो नीले नीले सियाह रूप डरावने दिखाई देते हैं कुछ परवाह नहीं करता, मगर उन सितारों को देखना चाहता हूँ जो उनमें चमक रहे होते हैं, जिनकी वजह से उस सियाह आसमान को एक अजीब किस्म की खूबसूरती हासिल होती है। ज़रूरत सर से बेपत पुरजोर सर से जिनर के एहतमाम की नहीं, बल्कि ज़रूरत है फिर से सर सैयद के ख्वाबों को ज़मीन पर उतारने की एक पुरजोर कोशिश की। सर सैयद जैसी मेहनत की, सर सैयद जैसा साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में पैदा करने की, सर सैयद जैसा अपना सब कुछ मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल में लगा देने की। हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। हाली ने कहा था, तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे उनको, तेरे एहसान रह रह कर सदा याद आएंगे उनको, करेंगे जिक्र हर मजलिस में और दोहराएंगे उनको। Sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the message of free inquiry, of large-hearted progression and of pure morality. Acquisition of knowledge of science and technology is the only solution for the problems of Muslims. We will remain humiliated and rejected if we do not make progress. Get rid of old and useless rituals. These rituals hinder human progress. Superstition cannot be the part of faith. The first requisite for the progress of a nation is the brotherhood and unity amongst the sections of the society. We eat the same crop, drink water from the same rivers, and breathe the same air. As a matter of fact, Hindus and Muslims are the two eyes of a beautiful bride that is Hindustan. Weakness of any one of them will spoil the beauty of the bride. We have evolved a new language, Urdu. We should not tarnish the image of our able elders. A true Muslim is one who must have the Holy Quran in one hand and science in the other. All human beings are our brothers and sisters. Working for their welfare is the obligatory for Muslims. Remember that the words Hindu and Muslim only meant for religious distinction. Otherwise, all persons who reside in this country belong to one and the same nation. Thank you. Poetry gives rhythm to silence, light to darkness, and it gives us a great tool for developing ourselves. Let's enjoy Ashar. For that, I will be inviting my friend Naman. वारे सैयद पाकीज़ा गुहर क्या कहना, ये दिमाग और हकीमाना नजर क्या कहना, कौम के इश्क में ये जोरे जिगर क्या कहना, कौम के इश्क में ये जोरे जिगर क्या कहना, एक ही धुन में हुई उम्र बस क्या कहना। मुद्दा तेरा अगर दुनिया में है तालीम दी, तर्क दुनिया कौम को अपनी ना सिखलाना कहीं, वाह ना करना फिरका बंदी के लिए अपनी जबा, वाह ना करना फिरका बंदी के लिए अपनी जबा,
छुप के बैठा हुआ है हंगामाए महशर यहाँ। थैंक्स। I will now request Ibad and Ahmadur Rahman for their speech in English. Myself, Mohammed Ibad from class 8 Ibad. Today I am going to deliver a speech on Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was a great visionary statesman, social reformer and a great national builder of modern India. He wanted to build a community and country progressive and take them forward on modern lines. His supreme interest was intellectual development of the people through modern education. His supreme interest was intellectual development of the modern science. He was the first Indian Muslim to contribute intellectual and institutional foundation of Muslim organization in Southern Asia. Interest of community and country was dearer to him rather than anything else. He was successful in making the Muslim to understand the importance of the modern education and endeavor their best to achieve it in order to stand on their own legs and live a dignified life in accordance with the Islamic thoughts. Today we can see the products of Aligarh Muslim University adoring in every field of activity in India and other parts of the world. They have earned a name for the country and community thanks to the Aligarh movement. मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन
का बुलबुल हूँ। मेरा चमन ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अबरे आसे उठेगा वो सारे जहाँ पर बसेगा, हर चोरे वहाँ पर बसेगा, हर कोई वहाँ पर बसेगा, हर सब चमन पर बसेगा, हर दस्त चमन पर बसेगा, खुदा अपने चमन पर बसेगा, गैरों के चमन पर बसेगा, हर शब्द तरफ कर गरजेगा, हर कसर तरफ कर करकेगा, ये अबर हमेशा बसा है, ये अबर हमेशा बसेगा, ये अबर हमेशा बसा है, ये अबर हमेशा बसेगा, ये अबर हमेशा बसा है, ये अबर हमेशा बसेगा, बसेगा बसेगा बसेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today I am here to ask some questions related to Sir Sayyed. Let's start the quiz with the first question for girls. Can you tell me when and where Sir Sayyed was born? Who knows the answer, please raise your hand. 17 October 1870 in Delhi. Good. That's really right answer. You score a point. This question is for boys. Boys, tell me the real name of Sir Sayyed Ahmed Khan. Ahmed. Very good. Girls, you have to tell me the name of Sir Sayyed's father. Mir Muttaqi. Absolutely right. Another question for boys. Tell me the name of book which Sir Sayyed wrote in 1846 on archaeology. Asharul Sanabir. Right answer. Girls, tell me the titles of Sir Sayyed Ahmed Khan. Wrong answer. Question is passed to boys. Okay. Anybody from boys? What? No. Only Sir and Khan. Titles are only Sir and Khan. Sir Sayyed published a magazine that was very famous. What was its name? Sir Sayyed published a magazine. What was its name? Its name was Tehzeebul Akhlaq. I was going to tell. Next question for girls. Sir Sayyed started a society in 1864. Can you tell me its name? Scientific Society. Absolutely correct answer. Question goes to boys. Sir Sayyed wrote a book affected by the First War of Independence of India in 1864. What was the name of that book? Very good. Now it's time to enjoy the most amazing moment of today's assembly. And for this, we have a group of 10 students before you, of class 8 at Bard. कुछ लेना भी है कि नहीं? अरे भाई कुछ पसंद आएगा तभी भी लेंगे। कुछ लेना होता ही नहीं ऐसे आ जाते हो। बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो, ईद के चांद हो क्या? आप भी तो कुछ कम नहीं है भाई। आओ बैठ कर अंग्रेजी हुकूमत के बारे में बातचीत करो। आजकल हमारे ऊपर बहुत गुंज ऐसे स्टेज पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है अपना। किस बारे में चर्चा हो रही है? हम लोग अंग्रेजी हुकूमत के बारे में बात। हाँ अंग्रेजी हुकूमत हमारे पर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं क्योंकि हम उनके गुलाम हैं। नहीं, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। उन्होंने बंगाल में एक तिहाई आवाम को मार दिया। हमने एक बार खबर सुनी, कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, इसीलिए मैंने एक तालीमी इदारा खोला। आप लोग इसमें कुछ मदद करें। अभी हमारे पास तो कुछ है नहीं, होगा तो इंशाल्लाह जरूर मदद। ठीक है, आप लोगों के पास पूछा तो हमारे अंदर जरूर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों बाद सर सैयद टहलते हुए स्टेज पे आते हैं। सुनो दोस्त, ये तालीमी इदारे के लिए कुछ मदद करो। सर सैयद लोग कहते हैं कि सर सैयद पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, भीख मांगता है।
हाँ सर, सेहत पागल है, दीवाना है, भीख मांगता है, लेकिन मुझे फख्र है मदद के लिए नहीं, अपने काम के लिए भीख मांगता है। सर सेहत मिला? हाँ सर सेहत मिला। पैसा मांग रहा हूँ? हाँ वो हर जगह पैसा मांग रहा है, यहाँ पे देखता है पैसे की बात करता है। खुद तो ताफीर हो गया, हमारे बच्चों को भी ताफीर बनाना चाहता, हमारे बच्चों को अंग्रेजी जबान सिखाना चाहता। सर सैद उनकी बातें सुन लेते हैं, मुझे जो कहना है कहो, जो पत्ते लगाने में लगाओ, मुझे खुदा के वास्ते अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवाओ, जदी तालीम से दूर ना करो। सर सैद आपकी खाने की दावत है। अरे दोस्त तुम जो पैसे मेरी दावत पे खर्च कर गए मुझे दे दो, दावत से ज्यादा जरूरी मुल्क के बच्चों की पढ़ाई है, मन पैसे दो मुल्क के बच्चों को तालीम पे लगा पढ़ाऊंगा। सर सैद मिला था क्या? मैंने उसे खाने की दावत दी थी, उसने रुपये ही मांग लिए। वो जहाँ भी मिलता है वो हमसे रुपया ही मांगता है, हमारी माली हालत भी अभी सही नहीं है। अभी आलम था कि सर सैद के दोस्त उनको दावत देने पर भी डरते थे। कुछ दिनों बाद एक वाकया पेश आया। सर सैद एक रास्ते से गुजर रहे थे कि उनका एक पुराना दोस्त दिखा, जिनसे उनकी कुछ देर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हंसते हंसते सर सैद के दोस्त ने उससे कह दिया कि कल बाजार में नाच होने वाला है, अगर सर सैद उसमें नाचेगा तो उनको तालीमी इदारे के लिए पैसे भी हो जाएंगे। ये नाच का प्रोग्राम कहाँ है? सर सैद ने अपने दोस्त से उस जगह की मालूमात हासिल की। नाच का प्रोग्राम शुरू हुआ। सर सैद उस जगह पहुंच गए। मुझे अपने तालीमी इदारे के लिए छुट्टी की जरूरत है। सैद ने नाच दिखाया, उनको कुछ रुपए भी मिले जो उन्होंने बाद में अपने तालीमी इदारे में लगा दिया। सर सैद कुछ कर रहा है, रुपया के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपस में बात करते हुए सर सैद का मजाक उड़ा रहे थे। और कह रहे थे देखो सर सैद नाच रहा है, मुझे नाचने में शर्म नहीं, अगर इसे काम का कुछ भला हो जाए। सर सैद ऐसे किसी भी काम करने से नहीं शर्माता जितने उसके मेरे काम की भलाई हो। दोस्तों जिस सर सैद ने हमारे लिए इतना कुछ किया, दर दर की ठोकरें खाई, भीख मांगा, लोगों के ताने सुने, गालियां सुनी, लेकिन अपने तालीमी मिशन को नहीं छोड़ा। हम बच्चों का यह फर्ज है कि हम सर सैद के ख्वाबों को सच कर दिखाए, खूब पढ़े, अच्छे इंसान बने और मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। शुक्रिया। रंज सहे गालियां सुनी, सदमे उठाए, रंज सहे गालियां सुनी, लेकिन न छोड़ा कौम के खादिम ने अपना काम। दिखला दिया जमाना को जोरे दिलो दिमाग, दिखला दिया जमाना को जोरे दिलो दिमाग, बतला दिया करते हैं यू करने वाले काम। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आवर मैनेजिंग डायरेक्टर सर टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। सलीके से हवा में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवा में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। सर सैयद अलैहि रहमा की आज यौम पैदाइश है। सर सैयद अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि के सर सैयद अहमद खां या अहमद के सर सैयद अहमद खां बनने के पीछे अगर आप ये कहेंगे कि सबसे बड़ा रोल किनका है, वो उनकी माँ अज़ीज़ुन्निसा बेगम। वालिद का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था, जवानी की उम्र को पहुंचने के बाद, लेकिन उनकी जिंदगी में मां की तरबियत का बहुत बड़ा असर है जो उनकी पूरी उम्र उनके किरदार में दिखता है। तो उनके घर में भी काफी नौकर थे, खादिम थे। तो एक खादिम को 11 साल की उम्र में सर सैयद ने एक थप्पड़ मार दिया था, तो उनकी मां ने घर से निकाल दिया था, कहा कि सर सैयद अब इस लायक नहीं रहा, अहमद अब इस लायक नहीं रहा कि वो इस घर में रहे। और जो घर में जो आया थी,
जो काम करती थी उनसे कहा कि इसे लेके जाओ और बाहर छोड़ आओ। और वो बाहर गई सड़क पर छोड़ आई। फिर बाद में 3 रोज तक खाला ने अपने घर पे रखा, वो भी एक कमरे में छुपा कर 3 दिन तक वो बंद रहे। फिर उसके बाद सिफारिशें हुई, फिर उन्होंने जाके माफी मांगी, फिर दोबारा उनको दाखिला मिला। तो ये वाकया वो खुद लिखते हैं, उनकी जो खुद भविष्य है उसमें खुद वो लिखते हैं कि उसके बाद से फिर पूरी उम्र मैंने अपने किसी मातहत पर कभी भी ना हाथ उठाया, न उस अंदाज से बात की जो गलत अंदाज है या नाजेबा अंदाज है। एक दूसरा वाकया वो बयान करते हैं कि सर सैयद 2 भाई थे, एक बड़े भाई थे उनके, उनका इंतकाल भी तकरीबन 38-40 साल की उम्र में हो गया था। तो उनके एक दोस्त थे जिनसे बड़ा ही गहरा रिश्ता था, दोनों घरों का आना जाना था, ताल्लुकात अच्छे थे। भाई के इंतकाल के बाद किसी बात पर किसी मौके से वो नाराज हो गए उनके भाई के दोस्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। ससिये जाते रहे, फिर 2-3 दफा गए, फिर इन्होंने भी जाना बंद कर दिया। तो उनकी मां ने पूछा कि आजकल उनके यहां जा नहीं रहे हो? तो ससिये ने बताया कि ये वाकया है। तो उनकी मां ने नसीहत की कि फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, तुम वो काम कर रहे हो जिसको खुद नापसंद करते हो, तुमको ये पसंद नहीं है, तुमको ये नागवार गुजर रहा है कि वो शख्स जो हमेशा आया करता था उसने आना बंद कर दिया, तो तुम्हारा अमल भी वैसा ही है, तुम जाया करते थे तुमने भी जाना बंद कर दिया। तो फिर ससुर ने दोबारा जाना शुरू किया और फिर वो रिश्ते बहाल हुए। वो एक तरबियत थी कि रिश्तों को बनाना और रिश्तों को संवारना, सजाना, रिश्तों को पूरी उम्र लेकर चलना, उसके लिए कुर्बानियां देनी होती है, झुकना पड़ता है, अपनी अना को दफन करना पड़ता है। उनकी मां के अंदर बड़ी खूबियां थी, लावारिसों का बड़ा ख्याल रखती थी। एक बुढ़िया थी जो बहुत लावारिस थी, ज़ेबा नाम था। तो जब बीमार पड़ती थी तो एक दफा बहुत बीमार पड़ी और बड़ी महंगी दवा ससैयद ने खरीदी, तो वो वही दवा जो खुद इस्तेमाल करती थी उन्हें छुपा करके फिर उस बुढ़िया के लिए भी इस्तेमाल उनको भी देना शुरू किया। फिर बाद में फिर ससैयद को पता चला तो बड़ा ख्याल रखती थी, बल्कि जब इंतकाल हुआ तब उस वक्त भी वो ज़ेबा जो है वो जो लावारिस बुढ़िया थी वो उनके साथ थी। तो वहां से असल में बच्चे को ससियत के अंदर के जहन में ये बात डाली कि जो यतीम और लावारिस होंगे उनकी किफालत की जिम्मेदारी अहले सरवत को उठानी चाहिए। इसीलिए ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सबसे पहला काम या सबसे पहला इरादा जो ससियत ने कुछ शुरू करने का किया था वो असल था एक बहुत बड़ा यतीम खाना। इनकी मां भी बड़ी हिम्मत वाली थी, तो जब वहां दिल्ली में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हुआ तो सब लोग चले गए, लेकिन उनकी माँ और इनकी उनकी माँ की उनकी खाला थी जो नाबीना थी वो दोनों रुक गई। और फिर बाद में उनको पना लेना पड़ा उसी बुढ़िया के पास, लावारिस बुढ़िया के पास जिसकी वो हमेशा खिदमत क्या करती थी। उसी एक छोटे से कमरे में वो हफ्तों बंद रहे और खाने का सारा सामान खत्म हो गया था और वो घोड़े को खिलाने के लिए जो दाना है वो खाकर के वो लोग जिंदा रह रहे थे। बहुत बहुत बुरी हालत थी। फिर ससैयद बड़ी मुश्किल से जब वहां पहुंचे तो पता चला कि 3 दिन से वो खाना वो दाना भी खत्म हो गया और 2 दिन से पानी नहीं था। लेकिन माँ होती है, माँ का दिल हमें हर शख्स जानता है, जानता सब है, बस कदर की कमी है। तो जब दरवाजा खटखटाया और माँ ने खोला, अजीज़ नसा बेगम ने जो दरवाजा खोला तो पहला जुमला यही था कि तुम यहां क्यों आ गए, मार डाले जाओगे, मार देंगे तुमको।
मतलब अपनी फिक्र नहीं थी और हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि बड़ी मुश्किल से जब वो पानी का इंतजाम करने के लिए गए और एक सुराही में पानी लेकर के करीब के एक कैंप से, अंग्रेजों के कैंप से, वहां से लेकर के जब वो पहुंचे तो पानी की तलाश में वो जो जेबा, वो जो लावारिस बुढ़िया थी, वो भी सड़क पर भटक रही थी। तो उसको पिलाया तो उसने भी कहा कि नहीं, फौरन आप अंदर जाइए, बेगम साहबा जो है वो बहुत प्यासी है। खैर फिर वो गए, फिर गाड़ी का इंतजाम करने के लिए। फिर जैसे बाहर है तो आप समझिए कि भूख और प्यास की शिद्दत कितनी होगी कि वो बुढ़िया मर चुकी थी। फिर माँ को फिर लेकर के वो दोबारा मेरठ गए। मेरठ में एक दोस्त थे, उन्होंने अपने एक मकान दिया जिसके एहसानमंद वो ताऊर रहे, और कुछ ही दिनों में फिर उनकी माँ भी चल बसी। तो ये जो वाकया था, असल सर सैयद को अगर आप गदर से हटा देंगे तो सर सैयद की जिंदगी कुछ भी नहीं थी। गदर के वाकये से पहले सर सैयद एक आम इंसान थे, अच्छे इंसान थे, अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ स्टाइल थी जो गुजारते थे, गुजारना चाहते थे। कोई बहुत बड़ा बनने का कोई ख्वाब भी नहीं था, कुछ कर गुजरने का कोई सोचा भी नहीं था, कोई हजम भी नहीं था, कोई इरादा भी नहीं था। ये जो वाकयात हुए वो असल वाकयात थे जो जिन्होंने शख्सियत को अंदर से झिकझोर दिया। और कौम से बहुत मायूस हो चुके थे, वो कहते थे इस कौम का कुछ होने वाला नहीं है, जो महज जज्बातियत की रो में बह चुकी है। और सबसे बड़ा हादसा और सानहा ये है कि कोई रहनुमा नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो इसका रास्ता, जो इसका हाथ पकड़ के इसको रास्ते पे लाए। लेकिन जब ये वाकयात हो रहे थे, फिर माँ का इंतकाल हो गया, तो फिर उन्होंने सोचा, तकरीबन 3-4 महीने सर सैयद आप ये समझिए कि घर में बंद ही रहे। फिर उनको ये महसूस हुआ कि आखिर सर सैयद तुम्हारी जिंदगी का कुछ तो मकसद होना चाहिए, सब कुछ पा लिया तुमने, अच्छे जॉब में हो, मुंसिफ जस्टिस के पोस्ट पे थे, अच्छी तनख्वाह है और पूरे मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, मजहबी मुनाफरत आप ये कह लें कि कॉमनल हैट्रिक जो है वो बिल्कुल उरूज पे है, तो ऐसे में कुछ तो फर्ज बनता है। उस वक्त उन्होंने कह दिया कि नहीं सर सैयद, भागने से काम नहीं चलेगा, ये बुरा उठाना पड़ेगा। उर्दू के वो खैरखा थे, उसकी वजह ये नहीं थी कि उर्दू मुसलमान लोगों की जबान थी, उनका ये मानना था कि पर्शियन को कोई जबान अगर रिप्लेस कर सकती है तो वो उर्दू कर सकती है, और उर्दू एक ऐसी जबान है जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। तो इतनी बेचैनी में उन्होंने जिंदगी गुजारी है कि वो वाकया और 1898 के 10 बजे रात की वो शब जब उनका इंतकाल हुआ है, उसमें बिना मुबालगा आप ये कह सकते हैं कि कोई लम्हा कोई सेकंड ऐसा ना गुजरा होगा जिसमें वो आदमी चैन से बैठा हो। सारों तकार रोते थे, अनहोनी की वजह ये थी कि ये कौम पता नहीं कहां जाएगी, क्या होगा इसका 100 साल के बाद, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, 200 साल के बाद ये लोग कहां होंगे। ये वाकई उस आदमी के अंदर दर्द था जिसकी भी उसने हर वो काम किए जो उस स्टेटस का आदमी या हम और आप जैसा आदमी भी करने के लिए सोचेगा। एक अच्छे खानदान का आदमी, माली हैसियत जिसकी बहुत अच्छी थी, वो आदमी भीख मांगे, वो आदमी गले में छुरी डाल करके चंदा वसूले, वो आदमी ड्रामे करे, तो कभी परवाह नहीं किया कि कौन क्या कहेगा। दोस्त असल में इस बात से शर्मिंदा रहते कि सर सैयद यह बड़ा खराब लगता है यार, तुम हर जगह पैसे मांगते, हर जगह जहां जाओ कोई महफिल समझ में नहीं आती है, कोई वक्त है ना, महल है ना, मौका है, बस पैसे चाहिए। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उन्होंने इरादा किया था, उस वक्त 10 लाख के आसपास पैसे की जरूरत थी। इसमें आपको कहां से नकल करनी चाहिए या किसको फॉलो करना चाहिए, जो जिसका एक स्टेटस है, जिसका एक मेयार है। उस वक्त वो आदमी कैम्ब्रिज गया, कैम्ब्रिज जाने के पैसे नहीं थे उसके पास, वो पैसे भी उसने मैनेज किए और कैम्ब्रिज में बैठ करके हिंदुस्तान में कैम्ब्रिज खोलने का, वो फुक्कर आदमी जिसके पास खाने के पैसे ढंग के नहीं थे, वो इरादा कर रहे हैं हिंदुस्तान में कैम्ब्रिज खोलेंगे। और एक साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई, जो एक्चुअल में सबसे बड़ा काम था सर सैयद का, जिसकी शुरुआत उन्होंने की। उनका यह कहना था एक साइंसी अप्रोच है, एक साइंसी मिजाज है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, एक वैज्ञानिक भाव जो जहनों पे होना चाहिए, उसकी कमी हर जगह है। तो आपको हैरत होगी कि उस वक्त दो सोसाइटियां थी, साइंटिफिक सोसाइटी के दो ब्रांचेस थे, उसमें आपका एक पटना था अजीमाबाद, एक अलीगढ़, एक पटना।
तो बिहार के बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हर जगह पे, और पहला चंदा भी आप कह लीजिए कॉलेज के लिए अगर किसी दूसरे स्टेट पे या दूसरी जगह से लिया गया था तो वो यही पटना अजीमाबाद था उसको। तो उस वक्त जो किताबें ट्रांसलेशन होनी शुरू हुई थी उसमें बड़ा खर्च जो है इसी पटना ने, इसी अजीमाबाद ने उठाया था। तो वो दर्जी किताबों को ट्रांसलेशन उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इसी बीच फिर ये लगा कि यार ये कौम तो बड़ी ही नहीं है, ये तो उर्दू से भी नावल है, पढ़ना ही नहीं चाहती है, ये हर वक्त लड़ना चाहती, ये असल में अभी इस असर से बाहर नहीं आई है कि हमारी हुकूमत चली गई, हमारी कुर्सी छीन चुकी है। सोचा कि नहीं पढ़ाने का कुछ काम तो होना चाहिए। फिर उन्होंने गाजियाबाद में एक स्कूल खोला, फिर वहां भी समझ में नहीं आया, जॉब भी चल रही थी, पैसे भी चाहिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अलीगढ़ में जब दोस्तों से मिले तो फिर लगा कि नहीं अलीगढ़ में इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो अलीगढ़ में उन्होंने कॉलेज शुरू करने की शुरुआत की थी, कोई स्कूल खोलने का इरादा नहीं था जहां जाने के लिए आप परेशान रहते हैं, कोई इरादा नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे स्कूल की वो क्वालिटी कभी डेवलप ही नहीं कर पाई जो स्कूल चार दिन में खुला हो। 74 एकड़ की जमीन थी और 1774 ईस्वी की ये बात है, और वहां पे सर कॉलेज खोलना था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एमओए कॉलेज जिसको बोलते हैं, उसको शुरू करना था, लेकिन वो जमीन सरकार की थी, उससे लेना था, और वो काम हो चुका था, लेकिन फिर दूसरा डीएम आ गया, फिर उसने अड़चने लगा दी, कागजात मुकम्मल नहीं हो पाए, नतीजा ये हुआ कि वो काफी डिले हो रहा था। तो हिकमत अमली के तहत सर सैयद को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा हम शुरू करें जिससे बड़े ऑफिसर्स का आना जाना शुरू हो, तो एक प्रेशर डेवलप हो और ये जमीन हमको मिल जाए। इसका फायदा ये हुआ कि वो 77 में इस लायक हो गए कि वो जमीन भी मिली उनको, और वहां पर उन्होंने कॉलेज का फाउंडेशन डाल दिया, जिसमें काफी जो उस वक्त के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका उनका योगदान रहा, उनका ताजुन रहा। इस असल में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको शुरू करना चाहते थे दीन में भी और दुनिया में, खैर कहानी बहुत लंबी है, लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट शायद पैदा ना हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट को अगर आप दोबारा पैदा करने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी सोच में, अपनी फिक्र में, तभी आप ये कह सकते हैं कि हमने कोई खराज अकीदत है जो सर सैयद को दिया है, वरना हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। और ये ना भूलो कि बड़ा फर्क है दोनों में, बोलने में और काम में। तो ये चंद बातें थी, और आखिर में मां की फिर एक बात बता दूं कि जब वो जॉब में आए तो उनकी जो भी सैलरी मिलती थी वो पूरी तनख्वाह मां के हाथ पे मां को दे देते थे, पूरी तनख्वाह, उसमें से 5 रुपए महाना मां उनको देती थी उनके पॉकेट खर्च के लिए, बाकी सर सैयद के जितने अखराजात थे, जितने खर्चे थे, वो उनकी मां खुद से करती थी। तो मां का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो जिनकी माएं हैं उनकी इज्जत कीजिए, अगर आप इज्जत कीजिएगा तो शायद सर सैयद बन जाइएगा, कहीं ना कहीं वो काम कर गुजरिएगा, कभी ना कभी काम आपसे अल्लाह ले लेगा। दूसरा ये है कि अगर सर सैयद को फॉलो करना चाहते हैं तो अपने जहनों में, अपने कामों में साइंटिफिक अप्रोच पैदा कीजिए, और किसी भी तरह के हेट्रेड से, नफरत से खुद को दूर रखिए, क्योंकि सर सैयद जब भी कौम बोलते थे तो उन्होंने बाजाबता डिफाइन किया था कि जब मैं कौम बोलता हूं तो कौम के माना होते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो इंसान जो हिंदुस्तान की सरहद के अंदर है। सच्ची श्रद्धांजलि, एक सच्चा खराज अकीदत यह होगा कि हम भी अपने दिलों को तमाम किस्म की नफरतों से पाक करें, और हिंदुस्तान की फलाह बहबूद के लिए, जिसमें दोनों कौम जो दो बड़ी कौमें हैं वो बसती हैं, उसके लिए कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ शुक्रिया। Dear students, did you enjoy today's assembly? Okay, well, so after a display of spectacular performance, we have finally come to an end of today's assembly. At first, we thank the management for the support and infrastructure they have provided us over here. We thank Managing Director Sir and Director Sir for their constant support. And a very special thanks to Professor Rahman Sir for making the students prepared for the Sarana,
We would also like to thank all the participants for the active participation. And last but not the least, we thank all the teachers and the students who contributed directly and indirectly to make this program successful. The success of our program wouldn't have been possible without your support and collaboration. And now I conclude with a couplet. Aisa kiya hai tune har dil mein thikana, aisa kiya hai tune har dil mein thikana, gaate rahenge Sir Sayyed ka tarana. सर सैयद काम करता है न भूलो फर्क जो है करने वाले कहने वाले। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू एवरीवन।